हेलो फ्रेंड्स आप सभी का फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लूप के बारे में कुछ बातें करी थी और हमने खास तौर पर फॉर लूप को समझने की कोशिश करी थी तो आज हम इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे आज फॉर लूप की जगह वायल और रिपीट लूप उनके बारे में बात करेंगे तो अब तो अब जो पहला सवाल आता है कि ये जो हमारे रिपीट और वाई लूप होते हैं इनको हम किस प्रकार की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं तो जिस तरह से आपने देखा था कि जब हम फॉर लूप को इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी पहली कंडीशन होती कि मुझे अपने प्रोग्राम को कितनी बार रिपीट करना है ये मुझको मालूम है लेकिन अगर ऐसा नहीं मुझे मालूम है या मेरे पास कोई ऐसी कंडीशन है कि कुछ ऐसा हो कि जब तक कि ये हमारा कार्य कंप्लीट ना हो जाए तब तक इस प्रोग्राम को रिपीट करते रहो तुम उसको ये नहीं पता है कि ऐसे केसेस में हम उसको कितनी बार रिपीट करना चाहेंगे जैसे हम जब भी कभी करते हैं या हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो उसमें हम अपने प्रोग्राम को बार बार रिपीट करते रहते हैं लेकिन उसको ये नहीं मालूम होता है कि कितनी बार रिपीट करने के बाद में यह वैल्यू हमारी कन्वर्ज कर जाएगी तो ऐसी कंडीशन में हम वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं कि जब तक ये हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी तब तक हमारा जो प्रोग्राम कार्य करता रहेगा और उसी तरीके से आप देखेंगे कि रिपीट के अंदर भी हमारा कुछ ऐसे ही काम होता है चलिए हम इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हम इन सब चीज़ों के बारे में आपको धीमे धीमे करके बताते जाएंगे और हम साथ में कुछ उदाहरण लेंगे जिसके द्वारा हम आपको इन लूप्स की जो फंक्शनिंग है अर्थात ये किस प्रकार से कार्य करते हैं उसके बारे में समझाने की कोशिश करेंगे तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं तो जैसा आपको याद होगा कि हम लोग अभी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे और इसमें से हम लोगों ने पहले कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करी है हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के कंडीशनल एग्जीक्यूशन थे एफ एफ एल्स इत्यादि हमारे जो कमांड्स थे उनके बारे में बात करी थी फिर हमने अपने फंक्शंस के बारे में बात करी थी जो हमारे प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं जैसे स्विच और विच और उसके बाद हम आज लूप्स की बात कर रहे हैं तो लूप्स में आपने देखा था कि हमारे पास तीन तरह के लूप्स होते हैं एक होता है फॉर लूप वाइल लूप और रिपीट लूप तो फॉर लूप के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं और आज हम आपको वाइल और रिपीट लूप के बारे में बताएंगे तो जस्ट आपका एक जल्दी से रिवीजन करने के लिए जो हमारा फॉर लूप होता है इसको हम कहाँ पर कार्य करते हैं इसका हम इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं जब हमको पहले से ये नहीं पता होता है कि हमको अपने प्रोग्राम या अपने कमांड्स को कितनी बार रिपीट करना है राइट right. और इसका हमारा जो कमांड होता है कुछ हम ऐसे लिखते हैं फॉर नेम पे हमारा जो भी कंट्रोलिंग वेरिएबल होता है उसको हम देते हैं और इस कंट्रोलिंग वेरिएबल के द्वारा हम जो इस वेक्टर के अंदर जो वैल्यूज होती हैं इनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और साथ में लिखते हैं यहाँ पे इन और उसके बाद में कल ब्रैकेट में हमको जिस अपने कमांड को एग्जीक्यूट करना होता है उसको हम लिख देते हैं ओके अब हम यहाँ पे वाह लूप की बात करते हैं अब वाह लूप का इस्तेमाल हम उन जगह पर करते हैं जहाँ पर हमको यह पहले से ना पता हो कि मुझे अपने प्रोग्राम या अपने कमान को कितनी बार रिपीट करना है कैसा उदाहरण के लिए हम स्टैटिस्टिक्स में हम जब मैक्सिमम लाइकलीहुड स्टीमेशन की बात करते हैं तो हम अपने लाइकलीहुड फंक्शन को वहाँ पर इटरेटिव एल्गोरिथम के द्वारा हल करने की कोशिश करते हैं तो मुझे ये नहीं मालूम है कि हमारा जो सॉल्यूशन है कितनी बार प्रोग्राम को रिपीट करने के बाद या कितनी बार प्रोग्राम को इटरेट करने के बाद में मिलेगा लेकिन हम यह जरूर दे सकते हैं कि इस प्रोग्राम को उतनी बार रिपीट करो जब तक कि हमारा इसमें कोई कन्वर्जेंस ना आ जाए कन्वर्जेंस जैसे कि हमारे जो पहले वाले वैल्यू और जो अभी जो प्रोग्राम की वैल्यू आई है उसमें सपोज कि पॉइंट वन का अंतर से ज़्यादा ना हो तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे वाहल लूप का इस्तेमाल करते हैं वाहल का जैसा मतलब आपने हिंदी में देखा है जब तक कब तक जब तक जब तक कि कार या जब तक ये हमारी कंडीशन सही है तब तक ये कार्य रिपीट करते रहो तो इस वाइल लूप का देखिए जो फ्लो चार्ट कुछ इस प्रकार से होता है कि हम अपने उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे कमांड्स होते हैं और उसके बाद में कोई एक यहाँ पे कंडीशन दी जाती है और यह देखा जाता है कि ये कंडीशन हमारी सही है कि गलत है तो ही हमारी कंडीशन अगर ये सही पाई जाती है तो हमारे जो भी हमने अपने कमांड्स दिए हुए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और ये लौट करके फिर से हमारी जो इनिशियल वैल्यू है वहाँ पर आ जाएगा और फिर ये आगे आएगा और ये इस कंडीशन को देखेगा कि क्या ये कंडीशन सही है और अगर ये कंडीशन सही होती है तो फिर से ये आगे आएगा और ये इन कमांड्स को फिर से एग्जीक्यूट करेगा और फिर से करके इनिशियल वैल्यू पर आ जाएगा और ये प्रोसेस आपकी बार बार चलती रहेगी जब तक कि कंडीशन आपकी सही रहती है ट्रू रहती है और जैसी कंडीशन आपकी फॉल्स होती है कंडीशन आपकी सेटिसफाई नहीं होती है देन उसके बाद में प्रोग्राम यहाँ से आगे आ जाएगा और जो भी उस प्रोग्राम के वाह लूप के बाहर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करेगा और या अगर प्रोग्राम को वहाँ पर समाप्त करना है तो प्रोग्राम को समाप्त भी कर देगा इस प्रकार से हमारा ये वाह लूप कार्य करता है तो चलिए इसी वायल लूप को हम जरा सा पहले देखते हैं कि आर कमांड में किस प्रकार से लिखा जाता है तो आर सॉफ्टवेयर में इस वाइल लूप को लिखने के लिए हमारा कमांड होता है वायल डब्ल्यू एच आई एल ई सब कुछ हम लोअर केस अल्फ़ाबेट में लिखेंगे और उसके बाद हम पैरेंथिस में अपनी उस कंडीशन को लिख देंगे जिसको हम टेस्ट करना चाहते हैं तो इस कंडीशन का जो उत्तर आएगा वो या तो होगा ट्रू और या होगा फॉल्स तो यहाँ पर हमारा होता है कि ये हमारा प्रोग्राम तब तक कार्य करेगा जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू रहती है और कौन कौन से कार्य करेगा उसके कमान हम यहाँ पर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं तो जब तक कि हमारी ये कंडीशन ट्रू रहेगी इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए सारे के सारे कमांड्स बार बार एग्जीक्यूट होते रहेंगे और जैसी ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी ये हमारा कंट्रोल इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और अगर एक इसमें से जो आपने कंडीशन दी है अगर ये इस लूप में एंटर करने के पहले सही नहीं होती है देन उसके बाद जो उस लूप के अंदर जो भी कमान लिखे हैं वो कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होंगे राइट अर्थात कि जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा जो हमारा कंट्रोल है इस कर्ली ब्रैकेट के से बाहर आ जाएगा और उसके आगे कोई भी अगर कमान लिखा हुआ है तो वही खाली एग्जीक्यूट होगा लेकिन कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए कोई भी हमारे कमान एग्जीक्यूट नहीं होंगे तो अब जरा सा चलिए हम इस वाइल्ड लूप को एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं और ये उदाहरण भी जो हमने ऐसे लिए हुए हैं जो हमारे फॉर लूप से मिलते जुलते हैं कि जहाँ पर आपको समझने में आसानी हो जाए और आप ये भी कंपेयर कर सकें कि फॉर और वायल्ड लूप का जो एप्लीकेशन में हम जिस प्रकार से कमार लिखते हैं उनमें क्या अंतर होता है तो चलिए हमारा यहाँ पे उद्देश्य बहुत ही छोटा सा है कि हम एक कोई संख्या लेते हैं एक और उसके आगे हम उसमें एक में हम दो दो करके वैल्यूज़ को ऐड करते जाएंगे और जो जो हमारी वैल्यूज आती जाएंगी उनका स्क्वायर प्रिंट करते जाएंगे और ये प्रिंटिंग हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक कि हमारी संख्या कस से छोटी रहती है तो इसके लिए देखिए हमने लिखा आईक्ल टू वन और फिर हमने लिखा वाइल डब्ल्यू एच आई एल ई और पैरेंथियसिस में अपनी कंडीशन लिख दी I than 10. कि आई लेस देन टेन अर्थात जब जब तक कि आई हमारा जो भी वैल्यू है ये हमारी 10 से छोटी होगी जब तक ये कंडीशन सही होती है ट्रू होती है जब तक कि ये कर्ली ब्रैकेट्स में हमारे जो भी कमांड्स लिखे हुए हैं ये हमारे सही रहेंगे और क्या कहा हमारे कमांड्स हैं जो भी आई की वैल्यू ली है उसको मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया से प्रिंट आई स्क्वायर और उसके बाद में जो अगली वैल्यू हमारी आएगी वो हमारी i इक्वल टू आई प्लस टू आ जाएगी अर्थात i को हम i प्लस टू से रिप्लेस कर देंगे अर्थात i की जो वैल्यू उसमें हम दो को ऐड कर देंगे तो चलिए पहले देखते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम किस प्रकार से कार्य करेगा तो सबसे पहला तो आता है कि ये जब स्टार्ट करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी i इक्वल टू वन ये तो कहाँ से आएगी देखिए यहाँ से उसके बाद ये कंट्रोल आपका नीचे आएगा और ये क्रॉस चेक करेगा कि i इज़ लेस देन टेन इसका उत्तर आता है ट्रू ये यहाँ पर होगी चेक इसके बाद ये आगे आएगा और ये कह देगा कि प्रिंट i स्क्वायर अर्थात वन स्क्वायर यहाँ पर और उसके बाद ये कर देगा कि i की जो वैल्यू अभी है उसमें से दो को ऐड कर दिया जाए तो one plus two equal to three. हो जाएगा वन प्लस टू इक्वल टू थ्री ये यहाँ पर होगा और इसके बाद यहाँ से करने के बाद में ये जो हमारा कंट्रोल है ये हमारा उठ करके वापस आएगा यहाँ पर अब जो यहाँ पे i की वैल्यू आई है तीन इसमें से ये फिर से चेक करेगा क्या आई की वैल्यू दस से छोटी है उत्तर आएगा ट्रू तो ये फिर से हमारा जो भी i की वैल्यू है आ, थ्री स्क्वायर उसको ये प्रिंट कर देगा और उसके बाद में i को रिप्लेस कर देगा कैसे थ्री प्लस टू अर्थात पाँच और फिर से हमारा कंट्रोल वाइल के ऊपर आएगा और फिर से अब ये यहाँ पर ये देखेगा कि i इक्वल टू पाँच पर क्या ये कंडीशन सही है कि i लेस देन टेन उत्तर आता है ट्रू तो ये फिर से यहाँ पर प्रिंट फाइव स्क्वायर कर देगा और उसके बाद में फिर ये i की वैल्यू को चेंज कर देगा फाइव प्लस टू और ये हो जाएगी सेवन जब ये वैल्यू हमारी सेवन आएगी तो फिर से ये हमारा कंट्रोल वाइल लूप की कंडीशन को फिर से टेस्ट करेगा और यहाँ पर लेगा लेकिन आई इक्वल टू सात और आई की वैल्यू को चेक करेगा कि ये दस से छोटी है उत्तर आएगा ट्रू और अगर ये उत्तर ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा सेवन स्क्वायर और साथ ही आई को बदल देगा सेवन प्लस टू में जिसकी वैल्यू हो गई नाइन अब इसके बाद में जब नाइन होने के बाद में हमारी अगली वैल्यू हमारी होगी आई क्वल्टू नाइन और ये फिर से हमारी वाइल कंडीशन को क्रॉस चेक करेगा तो इसने फिर से चेक किया कि क्या हमारा आई की जो वैल्यू है नाइन क्या दस से छोटी है उत्तर आता है ट्रू तो ये फिर से हमारा यहाँ पर प्रिंट कर देगा नाइन स्क्वायर और उसके साथ में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नाइन प्लस टू इलेवन अब इसके बाद में आपको ध्यान देना है कि क्या यहाँ पर होगा अब जब यहाँ पे आई की वैल्यू आ गई इलेवन तो फिर से आई इक्वल टू इलेवन हमारा यहाँ से उठ करके इस वाइल कंडीशन में जाएगा और ये क्रॉस चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू दस से छोटी है और उत्तर आता है फॉल्स ये गलत है तो ये यह यहाँ पर अब इस प्रोग्राम को रोक देगा और ये जो कंट्रोल है ये आपका इस कर्ली ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और देखिए यही तो आउटकम आपको मिला यहाँ पे वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर नाइन स्क्वायर जो मैंने यहाँ पर देखिए निकाला है तो आप देख सकते हैं कि इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करना देखिए बहुत ही आसान काम है और आगे बढ़ने के पहले हम आपको जरा सा इसको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं सो डैट कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा राइट right. लेकिन आपके लिए इम्पोटेंट ये है कि आप ये किस प्रकार से कार्य कर रहा है आप उसको समझिए तो देखिए आपने जैसे ही उस प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा तो देखिए आपको ये आउटकम दे देगा अब चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण में हम आपको कुछ और करके दिखाते हैं तो जैसा मैंने फॉर लूप में भी एक उदाहरण लिया था जहाँ पर मैंने फंक्शन का इस्तेमाल किया था तो वहाँ पे मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि फ़ंक्शन हमारे क्या होते हैं प्रोग्राम होते हैं और उसको हम किस प्रकार से लिखते हैं तो यहाँ पे हम आपको अब फिर से उसी बात को रिपीट नहीं करेंगे लेकिन हम उसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ए, कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कोई मुझसे पूछे कि कोई 25 से नीचे की संख्या बताओ और हम क्या करना चाहते हैं कि जो भी हमारी संख्या है उसके आगे से लेकर के 25 तक हमारी जितनी भी इंटीजर्स होंगे उनका हम आपस में जोड़ करना चाहते हैं जैसे कि अगर हम कहें कि आपने हमसे कहा कि कोई हमको संख्या बताओ जो 25 से कम है मैंने कह दिया 18। तो 18 से हम 18 प्लस उन्नीस प्लस बीस अप टू हेयर पच्चीस तक का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए अब इस कार्य को करने के लिए आप ध्यान देंगे मैं यहाँ पे दो एक और कमांड्स हैं दो कमांड एक है रीड लाइन और एक प्रॉम्प्ट है इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे लेकिन इनका कमांड का इस्तेमाल इतना होता है कि किसी लाइन को रीड करने की कोशिश करते हैं और प्रॉम्प्ट होता है हमारा उस प्रोग्राम को वहाँ पर रोक देता है जैसा आपने देखा है कि बहुत सारे हमारे प्रोग्राम्स होते हैं कि जब हम कोई वैल्यू को वहाँ पर एंटर करते हैं उसके बाद वो प्रोग्राम आगे बढ़ता है तो उसी तरह का कार्य यह भी करेगा तो चलिए सबसे पहले हम इस फंक्शन को लिखते हैं और हम आपको इस प्रोग्राम को समझाते हैं और उसके बाद में देखेंगे कि ये किस प्रकार से कार्य करता है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक्शन उसके बाद में मैंने यहाँ पे पैरेंथिस में कोई भी इनपुट दिया नहीं है क्यों क्योंकि आपका इनपुट उसी प्रोग्राम के बीच में से आएगा इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया है खाली छोड़ दिया है उसके बाद में देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट है नंबर वन और ये नंबर वन इसके बीच में मैंने अपने कमांड्स को लिख दिया जिनको हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके बाद में मैंने अपना एक इनिशियल वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू हमने दे दी ज़ीरो तो इसने इस वेरिएबल का मैंने नाम दिया है सम और इसने इसको इनिशलाइज कर दिया है अब उसके बाद हमको एक ऐसा कमांड लिखना है जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो हमसे बीच में पूछे कि आप कोई एक 25 से छोटी संख्या को एंटर करिए तो इस कार्य को करने के लिए मैंने देखिए कुछ ऐसे लिखा मैंने पहला कमांड यूज़ किया एज़ डॉट इंटीजियर आप मुझे ये बताइए ये एज डॉट इंटीजियर क्या करेगा ये आपको क्या बताने की आवश्यकता आप है आपने पहले देखिए एज डॉट करेक्टर एज डॉट न्यूमरिक इस तरह के बहुत सारे कमांड सीखे हुए हैं तो उसी प्रकार से ये एज़ डॉट इंटीजियर भी है जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको वो इंटीजियर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा उसके बाद हम यहाँ पे कमांड यूज़ करते हैं रीड लाइन और यहाँ पे करते हैं प्रॉम्प्ट और साथ ही हम यहाँ पे डबल कोर्स में लिखते हैं प्लीज सेलेक्ट एनी नंबर लेस देन 25 अर्थात पच्चीस से छोटी किसी संख्या को छुनिए अब इसके आगे हमें क्या करना है देखिए अगर कोई पच्चीस के ऊपर की संख्या होगी तो तो हमारा प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा लेकिन अगर पच्चीस से छोटी संख्या अगर है तो हमको उसका कम चाहिए तो मैंने यहाँ पे लिखा वायल और यहाँ पे लिखा कंडीशन इस पैरेंथिस के अंदर कि जब तक कि नंबर हमारा 25 से छोटा या बराबर है ये नंबर कहाँ से आएगा देखिए ये वाला नंबर जो आपने इंटर किया है कब तक आप करिए सम को आप रिप्लेस करिए सम प्लस नंबर से तो पहले इटरेशन में जो सम की वैल्यू कहाँ से आएगी ये वाली इनिशियल वैल्यू और नंबर की वैल्यू कहाँ से आएगी ये जो आपने यहाँ पर दी हुई है और उसके बाद में आप नंबर को रिप्लेस करिए नंबर प्लस वन से अर्थात जो आपने नंबर दिया उसमें से आप एक जोड़ दीजिए और ये वाला कार हम इस जो भी हमारा ये कली ब्रैकेट टू के अंदर मैंने लिखा हुआ है उसके अंदर करने की कोशिश कर रहा हूँ और जब ये हो जाए इसके बाद में आप प्रिंट कर दिए पेस्ट मतलब कि जो भी हमारा स्टेटमेंट है हम उसको पेस्ट करना चाहते हैं साथ में वैल्यू को तो ये पेस्ट कमान भी क्या होता है इसके बारे में हम आपको बाद में और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे ये बहुत ही हमारे कॉमन कंटेक्ट्स होते हैं आउटपुट को देखने के लिए तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं द सम ऑफ नंबर्स रिसीव फ्रॉम द वायल लूप और उसके आगे हम यहाँ पे अपना जो भी सम की वैल्यू आई है जो कहाँ से जो फाइनल वैल्यू आई है यहाँ से हम उसको लिखना चाहते हैं तो अब अगर आप समझने की कोशिश करिए तो ये हमारा किस प्रकार से कार्य करेगा सबसे पहले इसने ले लिया सम सम की वैल्यू ले ली ज़ीरो और इसने आपसे पूछा कि हमें कोई नंबर आप इंटर करिए जो पच्चे से छोटा हो तो मैंने नंबर ले लिया सपोज तेईस अब देखिए यहाँ पर क्या होगा अब ये कंट्रोल हमारा यहाँ पर आएगा और ये क्रॉस चेक करेगा क्या ये नंबर हमारा पच्चीस से कम है उत्तर आएगा हाँ टू तो ये क्या कर देगा ये दो जो स्टेटमेंट लिखे हैं ये इनको एग्जीक्यूट कर देगा कि सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो और नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 23 और उसके बाद में नंबर को क्या करेगा नंबर को रिप्लेस कर देगा नंबर प्लस वन इक्वल टू चौबीस अब इसके बाद में क्या करेगा ये जो नंबर चौबीस है ये हमारा इनिशियल वैल्यू हो जाएगी और फिर से ये हमारा इसी कंडीशन को चेक करेगा कि क्या ये नंबर हमारा पच्चीस से कम है उत्तर आता है हाँ तो फिर से ये हमारा इसी जो कमांड को कि सम इज़ इक्वल टू जो हमारा सम पहले आया था 23 और उसी में नंबर को ऐड कर देगा 23 थ्री प्लस ट्वेंटी और नंबर को ये ऐड कर देगा नंबर को बदल देगा फिर से कि जो हमारा पहले का नंबर था चौबीस प्लस वन इक्वल टू पच्चीस और ये हमारा पच्चीस तक जाएगा और पच्चीस के बाद में इसको पता चलेगा कि पच्चीस के बाद में जो भी संख्या आएगी वो हमारी छब्बीस होगी और ये वहाँ पे उसको रोक देगा और इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देंगे अगर एंट्री करते हैं सपोज एक नंबर करते हैं तीन तो ये उसी प्रकार से तीन चार पाँच छः करता हुआ ये पच्चीस तक आता जाएगा तो चलिए हम आपको इसी फंक्शन को जरा सा आर सॉफ्टवेयर में आपको करके दिखाते हैं उसके पहले हम आपको दिखा दें कि ये इसको किस प्रकार से एग्जीक्यूट करना है तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे सम फंक्शन जो भी फंक्शन का नाम दिया हुआ है और पहले लिखेंगे इसमें कुछ भी नहीं लिखना है आपको और उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि प्लीज़ सेलेक्ट एनी नंबर लेस देन ट्वेंटी फाइव अब यहाँ पर दे देंगे नंबर आपने दे दिया बाईस तो अब ये देखिए इसका आपको आउटपुट दे देगा द सम ऑफ नंबर रिसीड फ्राम द वल लूप इस 94 ये 94 फोर कहाँ से आया आप अगर 22 प्लस तेईस प्लस चौबीस प्लस पच्चीस को आप अगर सम करेंगे तो इसकी वैल्यू 94 आ जाएगी और देखिए यही इसका स्क्रीनशॉट भी है तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको जरा सा इस आउटकम को आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पर हमने अपने इस प्रोग्राम को कॉपी कर लिया जिससे मेरा टाइम बच जाएगा और आप अगर देखेंगे तो ये देखिए आपका ये प्रोग्राम क्या आ गया फंक्शन ऐसे करके राइट right. अब अगर इसी प्रोग्राम को अगर आप मान लीजिए कि आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसको किस तरीके से करेंगे आप इसी फंक्शन को लिखिए सम फंक्शन और इसके आगे आप यहाँ पे पैरेंथिस लिख दीजिए तो देखिए क्या जाएगा जैसे आप एंटर करेंगे ये आपसे पूछेगा प्लीज़ सेलेक्ट एनी नंबर लेस देन ट्वेंटी फाइव आपने यहाँ कर दिया 22 ट्वेंटी टू तो इसने आपको देखिए नंबर क्या दे दिया यहाँ पे नाइन्टी फोर और उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर मान लीजिए इसी फंक्शन को अगर हम फिर से रिपीट करते हैं और यहाँ पे हम नंबर दे देते हैं सपोज़ तीन तो आप देखेंगे कि इसने आपको एक ये नंबर दे दिया जिसकी वैल्यू देखिए ऐसे है अपने स्क्रीन को छोटा कर देते हैं आपको दिखाई पड़ेगा देखिए ऐसे थ्री ट्वेंटी टू राइट तो इस आपने देखा कि इस प्रोग्राम को रिपीट करना और एग्जीक्यूट करना बहुत कठिन काम नहीं है और हम चलिए अपने स्क्रीन का फ़ोन साइज़ बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको आगे वाले उदाहरण में कोई दिक्कत ना आए देखने में और हम अब इसके बाद हम अपना जो अगला लूप है रिपीट उसके बारे में बात करते हैं तो जिस प्रकार से आपने देखा कि वाह लूप के अंदर आपको यह तो नहीं पता है कि कब तक आपको लूप को एग्जीक्यूट करना है या कितनी बार आपको लूप को इस्तेमाल करना है कितनी बार आपको अपने फंक्शन प्रोग्राम को रिपीट करना है उसी से उल्टा हमारे यहाँ पे रिपीट लूप में होता है और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम को या कमांड्स को कितनी बार रिपीट करना है यह जो हमारा प्रोग्रामर होता है यह उसकी इच्छा होती है और यह उसके लिए ज़िम्मेदार होता है कि वह वहाँ पर अपने जिस प्रकार की कमांड देगा कि उसको कितनी बार उस प्रोग्राम को रिपीट करना है वो उतनी बार रिपीट होगा और उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक फंक्शन का हम ब्रेक कमांड का यूज़ करेंगे और उसके बाद में ये हमारा प्रोग्राम ब्रेक से बाहर आ जाएगा ब्रेक के बारे में आपको याद है कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में ब्रेक और नेक्स्ट की बात करी थी तो चलिए पहले हम यहाँ पे एक उदाहरण लेकर के आपको समझाते हैं लेकिन उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि रिपीट कमांड को किस प्रकार से आर सॉफ्टवेयर में दिया जाएगा जो बहुत ही आसान है आप सिंपली यहाँ पर लिखिए रिपीट आर ई पी ई ए टी और उसके बाद में कली ब्रैकेट में जिन जिन कमांड्स को लिखा जाना है आप उनको यहाँ पे लिख दीजिए आपको उदाहरण के थ्रू हम अगर समझाएंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर हमने वही उदाहरण लिया है जो हमने पहले लिया था यहाँ पर हम एक नंबर लेंगे और उस नंबर को हम प्रिंट करने की कोशिश करेंगे और हर बार अगले नंबर में हम आ, दो ऐड कर देंगे सो दैट कि हमारा नंबर दो से ज़्यादा हो जाएगा और ये प्रोसेस हमारी तब तक गलती रहेगी जब तक कि हमारा नंबर 10 से ज़्यादा ना हो जाए तो अब हम देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा आई इक्वल टू वन और इसके बाद में मैंने लिखा रिपीट और उसके बाद में इस कली ब्रैकेट के अंदर जो हमने लिया है वो नंबर वन यहाँ पर मैंने अपना इसके बीच में कमांड लिख दिए मैंने क्या कमांड लिखी है प्रिंट आई स्क्वायर और उसके बाद में मैंने, मैंने कर दिया i इज इक्वल टू आई प्लस टू अर्थात i की वैल्यू को i प्लस टू से रिप्लेस कर दो और फिर हमने अपनी कंडीशन दे दी कि इफ आई इज़ ग्रेटर देन टेन देन ब्रेक अर्थात जैसे ही आई की वैल्यू हमारी दस से बड़ी होती है तब इस प्रोग्राम को यहाँ पे रोक दो तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम किस प्रकार से कार्य करेगा सबसे पहले ही हमारी आई की वैल्यू लेगा वन और इसमें से ये प्रिंट करेगा वन स्क्वायर इसके बाद में ये आई की वैल्यू को चेंज कर देगा जैसे वन प्लस टू ये हो गया तीन और उसके बाद ये क्रॉस चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू हमारी दस से ज़्यादा हुई इसके बाद ये चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू दस से ज़्यादा है और अगर ये उत्तर आता है ट्रू तो, तो ये रोक देगा लेकिन ये उत्तर आता है फॉल्स क्योंकि तो आपकी आई की वैल्यू है तीन तो अब ये क्या करेगा अगले स्टेप में जो हमारा आई की वैल्यू आई है तीन इसको ले लेगा और फिर ये कमांड को यूज़ करेगा ये प्रिंट आई स्क्वायर तो प्रिंट ये हो जाएगा थ्री स्क्वायर और उसके बाद ये आएगा कि आई की वैल्यू को आई प्लस टू करना है तो आई की वैल्यू हो जाएगी थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव और फिर से ये चेक करेगा कि क्या आई हमारा दस से ज़्यादा है और उत्तर हमारा यहाँ पर आएगा फॉल्स क्योंकि आई की वैल्यू हमारी क्या है पाँच तो ये क्या करेगा अब ये आई की वैल्यू को पाँच लेगा और ये अगला ये जो हमारा कमांड है इसी को कमांड को फिर से अगली बार रिपीट कर देगा और ये हो जाएगा आई इक्वल टू पाँच में आ जाएगा हमारा प्रिंट फाइव स्क्वायर एंड देन यहाँ से हमारा आई हो जाएगा हमारा फाइव प्लस टू अर्थात सेवन और फिर से ये क्रॉस चेक करेगा क्या हमारा आई दस से ज़्यादा है तो सेवन हमारा दस से ज़्यादा होता है नहीं ये कंडीशन हमारी हो गई फॉल्स तो अभी क्या करेगा कि अभी यहाँ पर आई इक्वल टू सेवन लेगा और फिर से ये प्रिंट करेगा प्रिंट सेवन स्क्वायर और फिर से आई की वैल्यू को बदल देगा सेवन प्लस टू जो हमारी हो जाएगी नाइन और फिर से ये क्रॉस चेक करेगा कि क्या जो हमारा नाइन है ये हमारा क्या दस से ज़्यादा है उत्तर आ जाएगा फॉल्स तो ये फिर से हमारा यहाँ पर आ जाएगा और ये आई इक्वल टू नाइन की वैल्यू ले लेगा ले और फिर से ये प्रिंट कर देगा प्रिंट नाइन स्क्वायर और उसके बाद में ये ले लेगा आई इक्वल टू नाइन प्लस टू जो हमारा हो जाएगा एलेवन अब यहाँ पे आपको समझना है कि देखिए क्या होता है जैसे ही इसने यहाँ पे आई की वैल्यू ले ली एवन और इसने इस कंडीशन को चेक किया आई इज़ ग्रेटर देन टेन ये कंडीशन हमारी सही हो गई क्योंकि 11 इज ग्रेटर देन 10 ये सही है और जैसे ही ये हुआ इसने इस प्रोग्राम को यहाँ पे कर दिया ब्रेक और यहाँ पर आपका प्रोग्राम रुक जाएगा और यही तो देखिए आपको यहाँ पर आउटकम दिखाई दे रहा है वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर नाइन स्क्वायर इत्यादि तो आपने देखा कि इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ही आसान काम है और चलिए हम आपको साथ में इसी में एक चीज़ और भी दिखा देते हैं कि जिस प्रकार से आपने यहाँ पे ब्रेक कमांड का यूज़ किया उसी तरीके से आप इसमें एन ई -e एक्स टी नेक्स्ट कमांड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नेक्स्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं तो देखिए यही वाला हम प्रोग्राम यहाँ पर लेते हैं और यहाँ पर लेकर हम अपनी कंडीशन को बदलते हैं हम i की वैल्यू लेते हैं वन और उसके बाद हम प्रोग्राम को रिपीट करते हैं और जो प्रोग्राम को रिपीट करना है वो हमने देखिए कल्ली ब्रैकेट नंबर वन के अंदर यहाँ पर दे दिया है अब हमारी कंडीशन क्या है हम करेंगे i इक्वल टू आई प्लस वन और अगर हमारी i की वैल्यू दस से छोटी आती है देन हम बोल देंगे नेक्स्ट कि अगली वैल्यू को लाओ और उसके बाद में हमारी जब भी हमारी अगली वैल्यू दस से बड़ी आएगी तब हमारा ये प्रिंट आई स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद में जैसी हमारी आई की वैल्यू तेरह या तेरह से बड़ी होगी ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रुक जाएगा तो अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए कि ये किस प्रकार से कार्य करेगा जैसे आपने लिया यहाँ पर आई इक्वल टू वन यहाँ पर अब आपने इसको रिपीट किया तो यह आपका हो गया आई इक्वल टू आई प्लस वन अर्थात वन प्लस वन इक्ल टू टू अब उसके बाद में ये इसको क्रॉस चेक करेगा कि क्या आई की वैल्यू दस से छोटी है आई की वैल्यू क्या दस से छोटी है उत्तर आ जाएगा क्या दो की वैल्यू दस से छोटी है उत्तर आ जाएगा ट्रू जब ट्रू आ जाएगा तो ये बोलेगा आप क्या करना है नेक्स्ट तो ये आप मेरे को यहाँ पर जो भी आपको आई की अगली वैल्यू है वो ले लेगा आई इक्वल टू कैसे यहाँ पे हो जाएगा टू प्लस वन हो जाएगा थ्री और फिर से ये चेक करेगा क्या तीन की वैल्यू दस से छोटी है उत्तर आएगा हाँ छोटी है तो ये फिर से आपको आई की अगली वैल्यू ले लेगा और ये वैल्यू आपकी कहाँ तक चलती रहेगी जब तक कि आपका आ जाएगा आई इक्वल टू नाइन और उसके बाद में आएगा आई इक्वल टू नाइन प्लस वन और यहाँ पर आप जब देखेंगे कि टेन इक्वल टू टेन हो गया तो यहाँ पर तक हमारी ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि आपने कंडीशन दी है आई लेस देन टेन अर्थात आई की वैल्यू दस से छोटी होनी चाहिए और जैसे यहाँ पर यह आपकी कंडीशन फॉल्स होगी ये आपको प्रिंट कर देगा आई स्क्वायर अर्थात टेन स्क्वायर और उसके बाद में फिर से आई की अगली वैल्यू लेगा टेन प्लस वन और देखेगा कि ये कंडीशन हमारी सेटिसफाई होती है कि ग्यारह दस से छोटा है ये फिर से प्रिंट कर देगा एलेवन स्क्वायर और उसी तरीके से ये आपको आगे बढ़ता जाएगा और ये प्रिंटेड ट्वेल्व स्क्वायर और प्रिंट थर्टीन स्क्वायर को करेगा और उसके बाद में जैसी हमारी कंडीशन यहाँ पर आती है कि इफ़ आई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू थर्टीन अर्थात आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी यहाँ पर चौदह ये ब्रेक कर देगा और ये प्रोग्राम को यहाँ पे रोक देगा तो देखिए ये आपका इसी प्रकार का आउटकम आ जाएगा और देखिए ये इसका स्क्रीन शॉट है तो आपने देखा कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना देखिए बहुत ही आसान काम है और हम जरा सा आपको इसको हम अपने आर सॉफ्टवेयर में करके भी दिखाते हैं जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो समय बचाने के लिए मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको अपने आर सॉफ़्टवेयर में पेश करता हूँ और जैसे देखिए मैं इंटर करता हूँ आपको इस प्रकार का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा ओके तो अब हम यहाँ पर अपने इस लेक्चर में रुकते हैं और आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो हमारे फॉर लूप वाइ लूप और रिपीट लूप की बात करी है अब किन कंडीशंस में आपको कौन सा लूप इस्तेमाल करना है इसका फ़ैसला आपको करना है मैंने आपको इनके जो उपयोग होते हैं उसको मैंने उदाहरण के द्वारा और किन कंडीशन में हम उनको इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताया है तो अब ये आपका नंबर है कि आप कुछ उदाहरण लीजिए और आप जिस भी एरिया में काम करते हो आपका जो भी सब्जेक्ट हो आप वहाँ पे देखिए कि इस करा के जो भी कार्य कहाँ कहाँ पे होते हैं और उन कार्यों के लिए आपको एक जो उपयुक्त लूप है उसका पहले चॉइस करिए और उसके बाद आप उसको आर सॉफ्टवेयर में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए और उसके लिए आप छोटे छोटे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं फंक्शन लिख सकते हैं या जो भी एक एक आसान से कमांड होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो और फंक्शन के बारे में हम अगले ही लेक्चर में बात करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि जो मैंने फंक्शन का इस्तेमाल इस लेक्चर में किया है उसको करने में आपको कोई बहुत समस्या आने वाली है आपको कोई कठिनाई नहीं होगी और जब तक कि आप इस लूप का जो कॉन्सेप्ट है समझेंगे इसके फंक्शन हमारे किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको समझेंगे तब तक हम फंक्शन को भी कवर कर चुके होंगे तो चलिए हम आपको अगले लेक्चर में फ़ंक्शन के बारे में बताएंगे तब तक आप प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय Thank you.